नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। लगातार हम चुनावी कवरेज कर रहे हैं और इस वक्त हम हैं आरके कॉलेज में, जहां मतगणना खत्म हो चुकी है अब और प्रत्याशियों का नाम घोषणा किया जाना अभी आधिकारिक तौर पे बाकी है। बहरहाल जो भी जीते हुए प्रत्याशी है उनको सूचना कर दी गई है, आधिकारिक घोषणा होना मात्र औपचारिकता बाकी रह गई है। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जयनगर नगर पंचायत से इस बार प्रथम बार उप मुख्य पार्षद, जो जनता के द्वारा सीधा चुना गया है, सीधा चुने हैं उनको और अपना विश्वास जताए हैं कि वो अपना काम करेंगे। आइए सीधा जुड़ते हैं उनसे और जानते हैं सीधा उनके बारे में। सबसे पहले मैडम अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं माला देवी, उप मुख्य पार्षद पद जयनगर नगर पंचायत से जीतकर अभी आई हूँ। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आपको भी, जितने भी वोटर है, जितने मतदाता है, जितने भाई बहन है, उन सभी को मेरा प्रणाम, क्योंकि वो हमें अपना कीमती वोट देकर इतना दूर, इतना मुझ पर इतना ट्रस्ट किए हैं और हमको यहाँ तक लाए। ये जीत हमारी नहीं, सभी लोग उन्हीं की जीत है। वाइस चेयरमैन मैं नहीं, वो सारे जनता है, जनार्दन जितने भी है। अब मेरा काम है कि मैं वादा नहीं इरादा लेके आई हूँ और जितना भी जो भी समस्या हो उनकी बात को सुनूंगी, वो कहेंगे जनता के बीच जाऊंगी और उनका समस्या का समाधान करूंगी। बातों से आपके तो अभी ही परिपक्वता दिख रही है, राजनीति कुछ दिख रहा है जो आपकी शुरुआत कैरियर की अब हो चुकी है। बहरहाल बात करें तो आपके जो पति है अरविंद तिवारी जी, पेशे से पंडित है, पुरोहित है, राजनीति में भी काफी सक्रिय रहे हैं, आरएसएस के नेता हैं और अब आप हैं इस क्षेत्र में आ गई हैं, राजनीति में आपका अब पदार्पण हो चुका है। क्षेत्र के लिए क्या क्या आपकी विजन, आपको समस्याएं क्या नजर आती हैं जयनगर में, ये बताइए। देखिए भाई, समस्याएं तो बहुत है लेकिन सबसे पहले आप किन समस्याओं पे काम करना चाहिए, सबसे पहले जो कोई दो समस्या, एक समस्या जिन पे आप सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। समस्या यहाँ पानी निकलने का कोई भी साधन नहीं है। पानी तो है, पानी का सुविधा मिला है जनरल योजना के द्वारा, लेकिन पानी निकालने का साधन नहीं है। नाला जहाँ तहाँ है, बहुत ये सब चीज पर ध्यान देना है। बाकी और सब जब आने के बाद, मैं जनता जो भी कहेंगे, जो उनकी समस्या, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ और उन पर ही ध्यान दूंगी, फोकस पूरा उन्हीं पर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः आपको बधाई। तो जैसा कि आपने देखा और सुना, उप मुख्य पार्षद ने बताया बखूबी अपने बारे में और इनको जीत की बधाई भी मिल चुकी है और मतदाताओं का भी इन्होंने आभार और शुक्रिया व्यक्त किया है, इस पर भरोसा जताया है। बहरहाल इसी तरह आप भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिये और हमें डिजिटल माध्यम से भी सपोर्ट कीजिए, हमें स्टार्स भेज सकते हैं आप और यूं ही अपना प्यार जयनगर लाइव के लिए बनाए रखिये। मैं हूं सुमित कुमार, जयनगर लाइव के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत।